नमस्ते व्यूअर्स, मैं मित्रलाल शर्मा, न्यूज 9 का चीफ ब्यूरो, और आज हम सीधा प्रसारण करते हैं सिक्किम गैंगटॉक से। और आज 10 दिनों का लॉन्ग प्रोटेस्ट जो स्पीयरहेडेड किया गया है सिक्किम प्रोग्रेसिव यूथ फोरम द्वारा, उसके अनुरूप आज स्टेट हेल्थ मिनिस्टर ए के घटानी ने एश्योर्ड किया कि जो उनके जो फुलफिल्स जो डिमांड्स थे प्रोटेस्टर्स द्वारा, उसमें एक मीटिंग रखा गया जिसमें हेल्थ मिनिस्टर और SPYF मेंबर्स ने जो प्रेजेंस किया ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मीडिया के साथ, जो दो दो सुबह 2 बजे के और मॉर्निंग जनवरी में जो किया गया उसके अनुरूप यह लॉन्ग प्रोटेस्ट रहा गया यूथ द्वारा जो 10 दिनों का था। उसके अनुरूप उन्होंने बहुत सारे जो डिमांड्स उनके जो फुलफिल नहीं हुए थे उसके अनुरूप उन्होंने यह सब प्रोटेस्ट किए। और विवेश भंडारी हमारे संवाददाता जुड़े रहेंगे न्यूज़ 9 के साथ और अन्य जानकारी के साथ। आप हमारे न्यूज़ 9 चैनल को फॉलो कीजिए, हमारे अपडेटेड न्यूज़ को भी आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे सीधा यूट्यूब चैनल 24x7 न्यूज़ 9 पे जाकर सीधा जाकर लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अन्य जानकारी के साथ मैं मित्र शर्मा, न्यूज़ 9 का चीफ ब्यूरो, आप सभी के समक्ष हाजिर रहूँगा। धन्यवाद। मैन पावर में के भएको छ, हामीले जनरल ड्यूटी कैडर र स्पेशलिस्ट कैडर अलग अलग गरेको छ। कैडर को स्ट्रेंथ सिक्किम में डॉक्टर को 300 थियो, त्यसले 600 बनाएको छ। यो रिसेंट को डिसिजन 600 को बनाए पछि हामीले जनरल ड्यूटी को रिक्रूटमेंट गरि सक्यो। 47 डॉक्टर्स को रिक्रूटमेंट भइसक्यो। स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भोलि सुपर स्पेशलिस्ट को इंटरव्यू छ, त्यो एसपीएससी को प्रोसिजर ही छ। र त्यसपछि 31-1 र 2 में स्पेशलिस्ट को रिक्रूटमेंट, यो टोटल प्रोसेस सकेपछि वी आर एक्सपेक्टिंग हाम्रोमा 40 जस्तो स्पेशलिस्ट चाहिँ आउँछ होला। सुन्नु, 40 स्पेशलिस्ट हाम्रोमा आउँछ होला। त्यसमा सर्जन पनि हुन्छ, मेडिसिन को पनि हुन्छ, एनेस्थेसिया पनि हुन्छ, पेडियाट्रिक्स डाक्टर पनि हुन्छ। त्यो भएपछि हामी गेजिङमा मङ्गनमा जहाँ जहाँ हाम्रो स्पेशलिस्ट को कमी छ, सिङताम र नाम्चीमा स्पेशलिस्ट को कमी छैन। सो त्यहाँ चाहिँ कम हामी रिक्रुटमेन्ट गर्छौँ र त्यो हामी पोस्ट फिल गर्छौँ, होइन। सो मङ्गनको उहाँले डिटेल तपाईँले भनिदिनु भयो। सिङताममा आइपिएस फर्म्स फुलफिल छ, नाम्चीमा आइपिएस फर्म्स फुलफिल, त्यसपछि अब गेजिङको कुरा हुँदैछ। गेजिङको अब तपाईँले अलिक भन्नु हन्ड्रेड बेडको एउटा मजबुत बिल्डिङ बनिँदैछ। त्यसको सेड्युल टाइम अफ कम्प्लिसन चाहिँ अहिले 2020 भन्छ, 21 सम्म त्यहाँ आइपिएस फर्म्स लागू हुँदैन। आइपिएस फर्म्स 100 बेडले 10 लाख पपुलेसनले क्याटर गर्नु पर्यो। मङ्गनको पपुलेसन 43,000 वन युआर टकिङ अबाउट आइपिएस फर्म्स, होइन। Then you have to talk scientifically. Then you cannot talk. IPH has to go with patient load. Okay, right sir. Sundos na. IPH 100 bed hospital Siliguri ko ekta subdivision ko lagi chha paryapt huncha. 10 lakh usko subdivision ko ekta population. Mangan ko population chha 40,000 chha. Hamro patient load kunai din gayo bhane inpatient hamro 20-25 हुँदैन। सो तपाईँले आइपिएस नर्म्स 100 प्याडको माग्नु नमस्कार व्यूअर्स, मैं विवेक भंडारी, न्यूज़ 9 के सिक्किम संवाददाता। आज हम लोग फिर से गैंगटॉक में आए हुए हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने पे धरना कर रहे हैं हमारे सिक्किम प्रोग्रेसिव यूथ फोरम के कार्यकर्ता। और जो आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात हो चुका है। लगता है कि मौसम जैसे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर लाठीचार्ज होने का संभावना दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर सिक्किम फायर सर्विस का भी गाड़ी आके खड़ा है। और इसी विषय में हम लोग आगे आप लोगों को बताते रहेंगे कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। धन्यवाद।